कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जन, ALCS जयपुर। आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान और उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कैसे आप उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जो कि कॉम्बिनेशन है साइंस और आर्ट का। और जब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस में कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। हाँ, डेफिनेटली एक साइंटिफिक पार्ट का रोल ज़्यादा रहता है, जो कि आपको एक क्वालिफाइड और ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ही दे सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं एक अनक्वालिफाइड या पुअरली इक्विप्ड क्लिनिक में नहीं मिलेंगी चीज़ें। तो कॉम्प्लिकेशंस आपको जो है ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं उस जगह पे। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, तो हम उन्हें ब्रॉडली स्पीकिंग तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो सर्जरी के दौरान हो सकती हैं, दूसरी वो जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होती हैं, और तीसरी जो लास्ट में रिजल्ट आने पर हमें पता लगता है कि ये भी प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर हम बात करनी शुरू करें कि ड्यूरिंग सर्जरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे कॉमनली जो चीज़ होती है वो होती है एलर्जिक रिएक्शन। वो एलर्जिक रिएक्शन बेसिकली जो दवाई देते हैं, लोकल एनेस्थीजिया देते हैं, उससे होता है मोस्ट कॉमनली। उसके अंदर बॉडी में इचिंग, रैशेस हो सकते हैं, और अगर कई बार बहुत ही रेयरली होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाए या फिर सीवियर शॉक में चले जाए पेशेंट, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस लोकल एनेस्थीजिया से, लोकल एनेस्थेटिक जो दवाई है, उससे पहले एलर्जी टेस्ट करते हैं पेशेंट की। छोटा सा इंजेक्शन यहाँ पे फोरआर्म पे देके, और उससे हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट उस दवाई से एलर्जिक है या नहीं है। अगर पेशेंट एलर्जिक है तो हम उस केस में प्रोसीजर नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम लोकल एनेस्थीजिया यूज़ नहीं कर सकते हैं उनके अंदर। तो एक तो हुआ लोकल एनेस्थीजिया का रिएक्शन, जो कि प्रिवेंटेबल है काफ़ी आराम से। उसके अलावा कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि खून पतला करने वाली दवाइयों पे, ब्लड थिनिंग प्रोडक्ट्स पे होते हैं, उनके अंदर अगर वो अपने डॉक्टर को पहले नहीं बताते हैं कि वो इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। और इसीलिए इन सब चीज़ों को, जो ड्यूरिंग सर्जरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत ही आराम से प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर, विद योर एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, जो कि एक बार आपको प्रॉपर क्लिनिकली इवेल्युएट भी करेंगे, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री भी लेंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, क्या ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, वो सब चीज़ें लेंगे, और उसके अलावा आपके इन्वेस्टिगेशंस भी कराएंगे, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है प्रोसीजर में, इन्हें अवॉइड किया जा सके। अब अगर हम बात करें पोस्ट प्रोसीजर पीरियड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो सबसे कॉमनली जो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट्स कंप्लेन करता है, वो करते हैं इचिंग की। सो इचिंग एक तरह से नॉर्मल प्रोसेस है, ये बॉडी का हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। और इसके अलावा जब सर पे, जब हेड पे या ट्रांसप्लांटेड एरिया पे ट्रांसप्लांट के बाद स्कैब्स डिपॉजिट होते हैं, डिस्चार्ज थोड़ा डिपॉजिट होता है, तो ये इचिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके लिए जो हम सॉल्यूशन बताते हैं पेशेंट्स को, वो यही बताते हैं कि थोड़ा आपको स्कैल्प मॉइस्ट रखना है सलाइन से या फिर ऑयल से, आपको बस रगड़ना नहीं है स्कैल्प को ज़ोर ज़ोर से, और धीरे धीरे जब ये स्कैब्स गिरते हैं 10 से 15 दिन में, तो इचिंग भी धीरे धीरे कम हो जाती है और उसके बाद सेटल हो जाती है। इचिंग के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम कई बार पेशेंट्स फील करते हैं, वो फील करते हैं कि स्वेलिंग आ जाती है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, एक तरह से कंट्रोल्ड सर्जिकल ट्रॉमा है, तो स्वेलिंग एक नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैल्प तक ही लिमिटेड रहता है। कुछ केसेस में वो स्कैल्प से ट्रिकल करके फोरहेड पे आ जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रॉपर एक एडवाइस देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, जिससे कि वो स्वेलिंग भी ना के बराबर रहे और इनकॉन्स्पिकस रहे। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि पेशेंट अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं या ओवर एक्सर्ट करते हैं, तो उन कंडीशंस में वो स्वेलिंग ट्रिकल करके फोरहेड पे या फेस पे भी आ जाती है। लेकिन वो भी घबराने की चीज़ नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक तरीके से हम मसाज एडवाइस करते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, जिससे कि वो स्वेलिंग 1 से 2 दिन में पूरी सेटल हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट फेस करते हैं, वो करते हैं पेन की। देखिए, पेन और डिस्कम्फर्ट किसी भी सर्जरी के बाद हो सकता है। अगर आप प्रॉपर जो आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन से, पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो सब लेते रहें, तो आपको पेन या डिस्कम्फर्ट ना के बराबर होगा। कुछ सिचुएशंस पे जब पेशेंट ये मेडिसिन लेना भूल जाता है, या फिर
कई बार जिसे हम कहते हैं कि बहुत जो FUT की स्ट्रिप है वो ज़्यादा हार्वेस्ट हो जाती है या FUE में ओवर हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो जो पेन और डिस्कम्फर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है डोनर एरिया के अंदर, लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन से वो भी बहुत आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। जो पेन किलर हैं, जो मेडिसिन आपको एडवाइस की गई हैं, आप अगर जैसे आपको एडवाइस की गई उस तरह से लेते रहेंगे तो ये पेन और डिस्कम्फर्ट भी मिनिमम हो जाता है। फिर इसके बाद एक और जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन या इशू पेशेंट्स फेस करते हैं वो करते हैं कि उन्हें लगता है कि स्कैल्प पे नमनेस आ गई है। डेफिनेटली किसी भी सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उस एरिया में नमनेस आती है, वो भी बॉडी का एक तरह से रिएक्शन है और ये भी ग्रेजुअली 3 से 6 हफ्ते में काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कर जाती है। ज़रूरत उस समय सिर्फ ये है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो करें और पेशेंस रखें। हल्का फुल्का मसाज हम और एडवाइस कर देते हैं पेशेंट को 2 हफ्ते बाद, जिससे कि ये नमनेस जो है ये और जल्दी चला जाए। कुछ बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस में जो एक सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन हम नोटिस करते हैं पेशेंट्स के अंदर वो है इन्फेक्शन की, डोनर एरिया के अंदर इन्फेक्शन या रिसिपिएंट एरिया के अंदर इन्फेक्शन। अगर हम बात करें इस इन्फेक्शन की तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका कारण जानने की, ये क्यों होता है। देखिए, ये इन्फेक्शन तब होता है जब हेयर ट्रांसप्लांट किसी जिसे कहते हैं प्रॉपर OT में नहीं किया गया हो, OPD बेसिस पे किया गया हो, किसी वेल इक्विप्ड OT में नहीं किया गया हो, किसी ऐसी जगह किया गया हो जहाँ पे कि स्टरिलिटी या डिसइन्फेक्शन का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता हो, इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर केयर नहीं किया जाता हो। सो उन सिचुएशंस में डोनर एरिया या रिसिपिएंट एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है और उन सिचुएशंस में फिर यही है कि एंटीबायोटिक्स और आपको मेडिसिन देके उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यही चीज़ अगर आप एक प्रॉपर वेल इक्विप्ड क्लिनिक पे विद अ क्वालिफाइड सर्जन करते हैं जिन्हें की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से डिसइन्फेक्शन किया जाए, किस तरह से OT मेंटेन किया जाए, किस तरह से सर्जिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए, एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए, उस सिचुएशन में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर है। इसके बाद कुछ केसेस में, बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस में, स्कैल्प पे रिसिपिएंट एरिया पे छोटी छोटी सी एक तरह से जिसे हम फुंसी कहते हैं या सिस्ट कहते हैं वो डेवलप हो जाती है। ये भी एक बहुत बेसिक छोटी सी प्रॉब्लम है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। नहीं होती है तो उस सिचुएशन में हमें पेशेंट्स को कई बार कुछ दिन के लिए एंटीबायोटिक और ऐड करना होता है जिससे कि वो 5 से 7 दिन में पूरा सबसाइड कर जाती है। ये तो थी हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान और उसके बाद में होने वाली कॉम्प्लिकेशन। अब अगर हम बात करें साइंटिफिक टर्म में, आर्टिस्ट्री की टर्म में और एज अ क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, तो हमारी नज़र में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हेयर ट्रांसप्लांट का होता है एक फेल्ड या अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट। अननेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट मतलब कि वो हेयर ट्रांसप्लांट जिसको कोई भी देखते ही बता दे कि हाँ ये नेचुरल नहीं लग रहा है और ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ लग रहा है। ये क्यों होता है? ये होता है जब हेयर लाइन डिज़ाइन प्रॉपर नहीं होता है, ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता है, एंगुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, स्पेशली जब हम फ्रंट की बात करें या टेम्पोरल ट्रायंगल्स की बात करें या ऑक्सीपिटल एरिया की बात करें। ऑक्सीपिटल एरिया स्पेसिफिकली जहाँ पे कि वर्ल पैटर्न बनता है, टेम्पोरल ट्रायंगल भी बहुत ज़रूरी है, एंगुलेशन का ध्यान रखना जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 0 डिग्री का एंगल लेके चलते हैं हेयर को इम्प्लांट करने के लिए। तो जब भी आप किसी एक तरह से क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस सर्जन से बात करेंगे तो वो मोस्टली बात करेंगे, अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो वो बात करेंगे फाइनल रिजल्ट में कि वो नेचुरल है या नहीं है। तो कोई भी अननेचुरल रिजल्ट अगर आ रहा है 6 महीने पे तो वो भी एक तरह से हेयर ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लिकेशन है। और वो कैसे अवॉइड की जा सकती है, वो उसका सबसे बड़ा तरीका यही है, सबसे ज़रूरी आस्पेक्ट यही है कि आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो डेफिनेटली आप एक जिसे कहते हैं आप डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स चेक कीजिए, आप क्वालिफिकेशंस चेक कीजिए, एक्सपीरियंस चेक कीजिए। अगर आप कहीं किसी भी एक तरह से अंडर इक्विप्ड या पुअरली इक्विप्ड क्लिनिक पे और उस क्लिनिक पे जहाँ पे क्योंकि नॉन मेडिकल पर्सन या टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वीडियो के बारे में या हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अगर आपकी और भी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो नीचे हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं और हम उस आपके जो क्वेरी या क्वेश्चन है उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।